दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी बुक छत्तीसगढ़ सारगर्भित के बारे में। इस बुक का नवीन संस्करण आपको आपके सभी नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस बार यह बुक आपको चार पार्ट में देखने को मिलेगी। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये उसके चार पार्ट हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय प्रशासन तथा छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। तो हमने इन चार पार्ट्स में इस बुक को लाया हुआ है। तो इन चार पार्ट्स में लाने का हमारा कारण ये था कि जब एक पार्ट स्टूडेंट कंप्लीट कर लेता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ भूगोल आपने कंप्लीट कर लिया, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरा कम से कम एक पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा कारण ये था कि वर्तमान में CGPSC अपने पैटर्न को जिस प्रकार से बदल रहा है, उसके क्वेश्चन की जो प्रकृति हो जिस प्रकार से बदल रही है, वहाँ हमें कुछ डीप अध्ययन करने की जरूरत है, हमें कुछ तथ्यों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो हम अलग अलग पार्ट में लाकर इस किताब में बेहतर से बेहतर फैक्ट, जो तथ्य हैं, उनको शामिल कर पाए हैं। और ये किताब जब क्योंकि अलग अलग पार्ट में है तो आपको बोझिल भी नहीं होने देगी। और एक कारण यह था कि जब हम इन सभी पार्ट्स को एक साथ ला रहे थे तो किताब के पेजेस बहुत ज्यादा हो जा रहे थे, जिसके कारण उसके कुछ पेज बाहर आ रहे थे। तो हमने इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कि एक स्टूडेंट इन किताबों को बेहतर तरीके से उपयोग कर सके, इसलिए हमने इस किताब को चार पार्ट में लाया है। और इस किताब में अगर आप देखेंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे, तो ये किताब काफी छोटे साइज में लाई गई है। मतलब ये किताब अब A5 साइज में है। तो इस किताब को A5 साइज में लाने का कारण हमारा ये था कि आप, जैसे कि ये किताब है, अब इस किताब को आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ना है तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ सकते हैं। और एक पार्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमको एक रिलैक्स मिलता है हमको कि हम इस पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने एक छोटा बनाया है इस किताब को इस बार, और हमने क्या किया हुआ है, चार पार्ट में लाया हुआ है। और साथ ही आप देखेंगे, जैसे इस किताब का पहला पार्ट है छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो छत्तीसगढ़ का भूगोल की किताब अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में हमने सभी नवीनतम आंकड़ों को प्रस्तुत किया हुआ है और कलर पेजेस में लाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इमेजेस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो छत्तीसगढ़ जो भूगोल की किताब आपको मिलेगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया है, इमेजेस उपयोग की है, और सभी इमेजेस क्या हैं, कलर इमेजेस हैं। तो कलर फॉर्मेट में आपको बुक मिलेगी। इसी प्रकार से अब इसका अगला पार्ट अगर आप देखें तो ये छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रमाणिक स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है इस बुक को बनाते समय, पूरी तरीके से रिसर्च किया गया है कि आपको किसी भी आंकड़े में कोई भी दिक्कत ना आए, और वे सभी प्रश्न जो वर्तमान में पूछे गए हैं अब तक और आगे जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी तथ्यों को इन किताबों में शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार अगर आप आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय प्रशासन। इस बुक में हमने सभी नवीनतम आंकड़े, इकोनॉमिकल सर्वे, बजट, इन सभी को शामिल किया है। और जब आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, जनजातियों के संबंध में, तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक रिसर्च किया हुआ है, सबसे बेहतर किताबों को देखा है, हमने उन सभी स्रोतों का उपयोग किया है जो जनजातियों और छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को समझने के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये जो किताब बनाई गई है, जो बुक बनाई गई है, कि अब आपको किसी अन्य स्रोत के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े और इन किताबों के माध्यम से आप CGPSC की पूरी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन किताबों को आप जरूर देखेंगे और इन किताबों से जो हम लाभ आपको देना चाहते हैं, उन सभी लाभों को प्राप्त कर आप अपना तैयारी को और बेहतर बनाएंगे और इस तैयारी में सफल होंगे। धन्यवाद।